हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फीलिंग गुड चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेस्ट न्यूज़पेपर फॉर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2018। यस, वो न्यूज़पेपर जो बैंक एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल एंड बैंकिंग न्यूज़ आती है और उसमें स्कीम्स जो निकलती रहती हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो, एंड सारी जो कवरेज होती है वो कौन से न्यूज़पेपर में होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 न्यूज़पेपर निकाले हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। एंड सबसे पहले जो न्यूज़पेपर है वो है द हिंदू का। द हिंदू की स्पेशलिटी क्या है? द हिंदू की स्पेशलिटी है इसका एडिटोरियल। इसके जो एडिटोरियल्स होते हैं वो नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसके एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको अपनी एनालिटिकल पावर इम्प्रूव करनी है, इनके और एडिटोरियल्स पढ़िए। दूसरी चीज़ की इम्पोर्टेंट है ये ओपिनियन। आपको अगर कोई ओपिनियन अपना बनाना है, ठीक है, कि मैं ये कहता हूँ, मैं वो कहता हूँ, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से वो होना चाहिए, तो इसके जो एडिटोरियल्स हैं वो पढ़िए एंड उसको समझने की कोशिश करिए। एंड जो इसकी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, ज़्यादा इन्हें डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं इसको। एंड इसका जो कवरेज और इसकी जो नेक्स्ट जो इसकी जो खासियत है वो है इसका कवरेज एरिया। ये ऑलमोस्ट सारे चीज़ को कवर करने की कोशिश करता है, लाइक इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, एंड इसके एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये एक तरह का पूरा पैक है ये, ठीक है, जिसके अंदर एस्पिरेंट्स को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए इस तरह से इन लोगों ने अच्छा खासा न्यूज़पेपर बना के रखा हुआ है। एंड इसमें आपको प्रधानमंत्री के जो भी न्यूज़, प्रधानमंत्री से जो हमारे स्कीम्स निकलती रहती हैं गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सब्सिडी कोई किसी को दे दी, ठीक है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, तो ये सारी न्यूज़ें इसमें अच्छी खासी कवर की जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका अच्छा खासा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग कर देगा। एंड ये इसकी जो, इसको रीड करने से आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन करने की जो स्पीड होती है, कॉम्प्रिहेंशन करने के मतलब मेरा ये है, पढ़ो, समझो, दिमाग में इमेज बनाओ, ठीक है, रीड करने से यही होता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। लोगों को ये दिखती नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जो दिखेगी नहीं, बट ये आपके दिमाग में आपको रीड करके कॉम्प्रिहेंड करने की स्पीड बढ़ा देगा, ठीक है। रीड करो, कॉम्प्रिहेंड करो, इमेज बनाओ, स्टोर करो, ये वाली स्पीड को ये बढ़ा देगा, ठीक है। आपके दिमाग को पता चल जाएगा ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, समझ जाऊँगा, ठीक है। तो एक तरह का प्रोसेस बनाए, इसको डेली रीड करिए। एंड नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर है द इकोनॉमिक्स टाइम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। द हिंदू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है किसके लिए? बैंकिंग की जो नॉलेज रखने वालों के लिए, बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स देते हैं, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन जो करते हैं, उसके लिए द इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? इसमें बिजनेस की न्यूज़ आती है, फाइनेंशियल न्यूज़ आ जाती हैं सारी, और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी कोई भी, जैसे हमारे NPA हो गया, बढ़ रहा है, घट रहा है, या फिर कोई बैंक के ऊपर कोई कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, या फिर बैंक को कुछ हो रहा है, मतलब मर्जर्स हो रहे हैं, कुछ भी जो न्यूज़ होती हैं वो इकोनॉमिक्स टाइम्स में ही आती हैं। और इसकी मैं सबसे ज़्यादा, इसकी एक और मैं खास बात बता दूँ, ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला बिजनेस न्यूज़पेपर है, ठीक है, एंड वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक न्यूज़पेपर है बिजनेस के कैटेगरी के अंदर। चलिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था एंड मुझे क्या मिला विकिपीडिया पे कि ये वाली लाइन पढ़ी है। इट इज़, देखिए ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का है एंड इसमें लिखा हुआ है, इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वाइडली रीड इंग्लिश लैंग्वेज बिजनेस न्यूज़पेपर आफ्टर द वॉल स्ट्रीट जर्नल विद अ रीडरशिप ऑफ ओवर 8 लाख। यस, ठीक है, 8 लाख की रीडरशिप होने के बाद उसके साथ ये वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बैंकिंग के अंदर, बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली बैंकिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर रीड करिए, ठीक है। एंड कभी कभी एक चीज़ और इसके बारे में बता दूँ कि जो RCs होती हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कभी कभी आपको पूरे के पूरे RCs इसमें से मिल सकते हैं। कभी, मतलब कभी ऐसा चांस हो सकता है कि पूरे के पूरे जो आर्टिकल उठाएं और आपके कॉम्प्रिहेंशन में डाल दें, और आर्टिकल उठाएं और आपके कॉम्प्रिहेंशन डाल दें, आपको वही मिल जाए, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है, वो अपने हाथ से कुछ लिखते नहीं हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से एक आर्टिकल निकालते हैं और आपके एग्ज़ाम में डाल देते हैं, उसके ऊपर से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। SBI PO का हो गया, SBI
IBPS PO का हो गया, तो इनमें जो बड़े बड़े जो लेवल के होते हैं उनमें यहाँ इधर से आ सकता है, तो ये न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा न्यूज़पेपर है, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा वाला पढ़ें, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस। तो मैं इन दोनों की अलग अलग खासियत बता दूँ। द हिंदू का जो पेपर है वो सिंपल होता है, उसके अंदर वोकेबलरी थोड़ी हार्ड नहीं बनाई जा रही पहले के टाइम से, अब मैं देख रहा हूँ उसके अंदर जो वोकेबलरी होती है वो उन्होंने ठीक ठाक कर दी है, सिंपल कर दिया कि अच्छे मीडियम ले जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है ना वो भी अच्छी पढ़ के समझ सकते हैं। बट जो वोकेबलरी इसकी है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस की, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हाई लेवल की है। ऐसे लगेगा जैसे कोई ऑफिशियल न्यूज़ ऑफिशियल पेपर कुछ डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, कोई ब्यूरोक्रेट के मतलब कोई सरकारी कोई चीज़ों का मतलब कोई नहीं ऑफिशियल लेटर पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ आपको लगेगा तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट इसमें भी आप एक अच्छी चीज़ है कि ये आपकी वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा, ऐसी कर देगा जो मतलब आपको फील नहीं होगा कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट पढ़ने के टाइम पे, ये फील नहीं होगा कि ये मतलब क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो इसमें ये अच्छी चीज़ है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, ठीक है। और इसकी दूसरी सबसे खास बात यह है कि ये स्मॉल सिटीज़ में अवेलेबल हो जाता है। यस, द हिंदू से कंपेयर करें तो इंडियन एक्सप्रेस स्मॉल सिटीज़ में अवेलेबल हो जाता है, बट द हिंदू आप देखोगे स्मॉल सिटीज़ में अवेलेबल नहीं होता है, सिर्फ बिग एंड मेट्रो सिटीज़ में ही द हिंदू का इसका पब्लिश किया जाता है। और बट इंडियन एक्सप्रेस को आप छोटी छोटी सिटीज़ में इजीली अवेलेबल करवा सकते हैं, आप अपने घर पे भी लगवा सकते हैं, बट हिंदू में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड चलिए फिर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।